Zoe, you're from India? Yes. Oh, I love it there. I love it. Thank you. Love India. Yeah, I've been there twice with my mom. And Wangke. तो क्या इंडिया की पहली के पॉप आइडल श्रेया लंका और अरिया के बाद हमें तीसरी के पॉप आइडल भी इंडिया से मिलने वाली है जिनका नाम जोई है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से जोई नाम की ये इंडियन लड़की के पॉप फैंस के बीच सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसके बाद इंडियन के पॉप फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इंडियंस की के पॉप में धूमधाम मची हुई है। तो क्या जोई ने फाइनली इंडिया की थर्ड के पॉप आइडल के तौर पर अपना डेब्यू कर लिया है? आखिरकार ये कौन से शो में गई हैं जहां फेमस के पॉप आइडल जैक्सन वॉन्ग जोई और इंडिया की तारीफ कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इसकी सारी डिटेल। तो इंडियन BTS आर्मी और इंडियन के पॉप फैंस, मैं आपको बता दूं, अभी जोई एक के पॉप आइडल नहीं बनी है, अभी वो थर्ड इंडियन के पॉप आइडल बनने की रेस में है, क्योंकि वो गई है के पॉप डांस रियलिटी शो में। इस डांस रियलिटी शो का नाम है चुशांग एशिया, जो कि एक चाइनीज रियलिटी शो है जहां पर दुनिया भर से 60 पार्टिसिपेंट्स चुने गए हैं और इन 60 पार्टिसिपेंट्स को शो के अंदर छोटी छोटी टीम्स में बांटा गया है और इन टीम्स को शो के एंड तक सिंगिंग और डांसिंग के थ्रू अपनी स्किल्स के थ्रू सर्वाइव करना है। जो टीम एंड में बचेगी यानी फाइनल तक पहुंचेगी और इस शो को जीतेगी, उसे मौका मिलेगा एक बड़ी केपॉप एजेंसी के साथ ट्रेनी के तौर पर काम करने का और बाद में उसका होगा डेब्यू। और शो के जज बनाए गए हैं इंडिया आ चुके, इंडिया से काफी प्यार पा चुके जैक्सन वॉन्ग। और इस वायरल वीडियो क्लिप में एपिसोड के दौरान जोई खुद को जजेस के सामने इंट्रोड्यूस कर रही है, बता रही है कि वो इंडिया से हैं, जिसे सुनकर जैक्सन वॉन्ग काफी खुश होते हैं और अपना इंडिया को लेकर एक्सपीरियंस बताते हैं। उसके बाद जोई फाइनली मैया मैया सॉन्ग पर डांस कर सभी को हैरान कर देती हैं, जिसका जोई की क्लिप काफी वायरल हो रही है और फैंस को जोई से उम्मीद है कि वो एंड तक पहुंचेंगी और हमें इस तरह इंडिया की थर्ड के पॉप आइडल भी मिलेगी। बाकी आप लोगों को जोई इन क्लिप्स को लेकर क्या कहना है, चाइनीज के पॉप डांस शो को लेकर क्या कहना है, कमेंट्स में बताना।